अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? सब खैरियत से? उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। गाइस, आज के 37वें ब्लॉग में मैं अपनी कंस्ट्रक्शन साइट पर मौजूद हूँ। मैं आपको यहाँ से दिखा रहा हूँ माशाल्लाह कितनी हाइट है। अल्हम्दुलिल्लाह काम चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह डे बाई डे। मेरा तो ज़ाती तौर पर दिल खुश होता है कि अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर एक करम किया है। अल्लाह का लाख मरतबा शुक्र, ये हमारा काम माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। गाइस, आपको मैं एक और बात बताऊँ, ये अल्लाह ताला के लाख मरतबा शुक्र करने के बाद मैं बहुत आजिज़ी के साथ ये बात करता हूँ कि माशाल्लाह हमने जिस दिन से काम शुरू किया है, अल्लाह का हमारे ऊपर इतना फजल है कि कुछ भी यहाँ पे गलत नहीं हुआ, कुछ भी किसी किस्म का खुदा न खास्ता नुकसान नहीं हुआ, कुछ ऐसा काम नहीं हुआ जिसको हमने गिरा के दोबारा बनाया हो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत एहसान अजीम है कि हमारा जो काम है माशाल्लाह बिल्कुल ठीक चल रहा है। हर चीज़ माशाल्लाह अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर आसान की हुई है, ये अल्लाह का लाख लाख मरतबा शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। क्योंकि जब आप बिल्कुल एक अच्छी नीयत से काम करने की कोशिश करते हैं तो फिर अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करता है और फिर काम में बरकत भी होती है। क्योंकि गाइस, ये वाला जो प्रोजेक्ट है हमारा, ये चार घरों का, ये फॉर सेल है। इसको हमने सेल के लिए रखा है। देखें फ़िलहाल ये हमारे अपने घर हैं, लेकिन ये हमारे सेल के लिए घर हैं, ये हम लोगों के लिए बना रहे हैं। तो हमारे दिल में एक रत्ती बराबर कभी भी इस चीज़ की वो राय बराबर भी बदयानती नहीं आई कि हम अपने काम में किसी किस्म की कोई मिलावट करें या कोई गलत चीज़ करें जिससे हमारे जो हमारा कस्टमर होगा, जो हमारा घर का ख़रीदार होगा, उसके लिए कोई परेशानी हो। तो बिल्कुल इस घर को उसी तरह ही तामीर कर रहे हैं जिस तरह हम अपने रहने के लिए अपने घर को तामीर करते हैं। तो जब ये सब चीज़ें शामिल हो जाएं तो फिर इंशाल्लाह मेरा ईमान है कि अल्लाह ताला आपको बरकत देता है और अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां पैदा करता है और आपका काम इसी तरह तेज़ी से आगे बढ़ता जाता है। तो ईंटें हमारी अल्हम्दुलिल्लाह आई जा रही हैं, बाकी ऊपर हमारी लेबर काम कर रही है। मैं ऊपर जाता हूँ और इंशाल्लाह सतार भाई से भी बात करता हूँ। यासिन भाई, क्या हाल तड़ा? ठीक हो? खरीद है माशाल्लाह। यासिन भाई, इट ठीक आ रही है अपनी? तो मिलती जुलती जी आ रही है। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सतार भाई, क्या हाल चाल है आपके? ठीक है सर, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाए जी, शुक्र खैरियत से। काम कैसा चल रहा है सर? जी शुक्र अल्लाह का, माशाल्लाह पूरी टीम में आपकी लगी हुई है। आज कितने लोग हैं? रोज मुसलसल एक ही जाती है। अच्छा, यानी वही लेबर है जो ऑलरेडी चल रही है। ये जो दो तीन लोग हैं ये इजाफी हैं? बस हाँ, ये सही बात है, ये भी हमारे लिए काम कर रहे हैं। लेबर भी सही। सर भी आज का क्या प्रोसीजर है? क्या इंशाल्लाह जी उधर आ जाएं, यहाँ पे ज़रा शोर है। हैं वो हो। अच्छा, आप चले बात करते जाएं। अच्छा, कॉर्नर वाला जी। अच्छा अच्छा, तीसरे नंबर तक पहुंच जाएंगे। अच्छा, चौथा नंबर थोड़ा सा हमारा फ्रंट पे मसला आ रहा है, वो दुरुस्त हो जाए। वो क्या है मसला साहब? वो बिजली का मसला है, वो खंभा वगैरह लगा हुआ है ना। अच्छा अच्छा, चले हो जाएगा इंशाल्लाह। बस उसकी प्रॉब्लम है, बस वो यूं ही होएगा साइड पे इंशाल्लाह, काम शुरू उसका भी। ठीक है सर भी, ये वाला जो घर हम बना रहे हैं आज, ये इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा? आज इंशाल्लाह, इंशाल्लाह कल इंशाल्लाह। अच्छा चले कल हो जाएगा, कोई मसला नहीं है, कोई जल्दी भी नहीं है माशाल्लाह। आप तो बहुत स्पीड में काम कर रहे हैं। देखें हफ्ते वाले जल्दी हमें नहीं है, जल्दी तो आपको लगी हुई है। मैं तो कह रहा था कि मुझे जल्दी है। हफ्ते वाले दिन छत नीचे वाले चलिए जी, कल हफ्ता, आज अभी 8 दिन। हाँ सर भी, आप शुरू में डराते क्यों होते हैं कि नहीं जी नहीं 6 माह लगेंगे जी?
नहीं देखो काम करने में 6 महीने ये हो सकता है ज्यादा भी लग सकता है। अच्छा हो सकता है ज्यादा भी टाइम लग सकता है क्यों, क्योंकि तैयारी में ज्यादा टाइम लगता है। तारबी मैं जो आपका जो देख रहा हूँ ना जो तरीकाकार है माशाल्लाह काम करने का, आप इंशाल्लाह 2 माह में दो लेंटर इंशाल्लाह आप समझ लें कि दूसरा लेंटर खुल जाएगा दो माह जी जो मुझे नज़र आ रहा है। और आप इस चीज़ से वो नहीं कर सकते, डिसएग्री नहीं कर सकते। अच्छा। क्योंकि आपका रिकॉर्ड बता रहा है कि आपने जो पहले वाला लेंटर डाला है उसके बाद इंशाल्लाह उससे आधे दिनों में आपने ये वाला करके लेंटर भी डाल देना है इंशाल्लाह। तो फिर तो है हमारी भी, हम कहते हैं गंदम की कटाई से पहले पहले कुछ ज्यादा काम जाए ना क्लोज हो जाए। अच्छा कोशिश तो हमारी ऐसे ही है, गंदम की डालियां और सोने की वालियां वैसे ना गंदम में ना अगर हमारे यहाँ मजदूरी भी ज्यादा देनी पड़ती है क्योंकि आपके जो लेबर है वो गंदम की कटाई में मशगूल हो जाती है। अच्छा अच्छा कम मुझे कम हो सकता है शायद बंद की। अच्छा यानी इतने इस तरह के हालात टाइट हो जाते हैं वो कम लेते हैं। तो देखो जिस आदमी ने इधर से हमारे पास 900,000 लेना है उसको उधर से ज्यादा दिहाड़ी पड़ती है। हाँ जी हाँ जी, बच्चों को साथ लेके ना इस तरह तो हमारे साल की गंदम जमा कर लेते हैं। तो सरदार भी क्या ख्याल है कि हमने तो माशाल्लाह ये अपना काम चलाते रहना इंशाल्लाह। नहीं इंशाल्लाह हमारी ऐसी है कि हम बंद नहीं करेंगे कोई। हाँ। ऐसी लेबर ले लेंगे तो 100-200 बाद ज्यादा दे देंगे ठीक है, हम काम भी चलाएंगे बंद नहीं करेंगे। शायद कोई ऐसी मजबूरी आई भी गई लेकिन 10-8 दिन बंद हो जाए कोई मसला नहीं, ज्यादा बंद नहीं। ये वाला जो हमारा काम है ये गंदम तक जाएगा, गंदम की कटाई तक टाइम बहुत लगेगा। अच्छा जी, ज़ाहिर है इसके बाद एक बिल्कुल जो एहतियात वाला और तसल्ली वाला काम है वो प्लस्तर होता है, वो प्लस्तर होता है और टाइल, और वहाँ पे हम आपसे डिमांड नहीं कर सकते कि और तेज़ करो और जल्दी करो, ठीक है ना, वो मैं समझता हूँ सर भाई ठीक है। वहाँ पे आप हमारे पास एक्सपर्ट हैं जो हमारे टाइल लगाने वाले हैं सर भाई, आपने मुझे बताया था कि मेरे पास वो लोग हैं जो बेहतरीन टाइल लगाएंगे बेहतरीन प्लस्तर करेंगे। लोग तो माशाल्लाह आते हैं हमारा काम देखने के लिए, ज़्यादातर लोग कहते हैं कि यार बहुत अच्छा काम हो रहा है, कमेंट, हाँ लोग यहाँ पे कमेंट भी करते हैं कि आपका काम माशाल्लाह बहुत अच्छा है। तो हम टाइम नहीं ज़ाया कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं। उस्ताद भी आज आए थे भाई, वो लेके चले गए जी कमीशन लेके चले गए, वो कह रहे थे कि यार आप हमें कम से कम इलेक्शन की छुट्टी से पहले बताते। हम उस वक्त काम ही नहीं किया। हाँ काम ही नहीं किया इलेक्शन की छुट्टी से पहले, क्या 2 दिन लगाए थे। हाँ जी हमें नज़र ही नहीं आ रहा था काम इस इतनी जल्दी इधर पहुँच जाए। हाँ जी तो उन्हें रिक्वेस्ट की है मैंने कि यार आप इस तरह करें कम से कम एक घर की आज दे दें जी, तो बाकी हर रोज़ एक दे दिया करें एक घर की। ठीक है साहब, तो बाकी ठीक है साहब, और मेरे लिए खिदमत ठीक है, तो मिलते हैं इंशाल्लाह। जी स्टार भाई जी अल्लाह का शुक्र, स्टार भाई आप माशाल्लाह हैप्पी हैं, क्या क्यों कोई खास बात है? बात तो कोई खास नहीं, काम खत्म होने वाला है बस इसलिए। अच्छा रिलैक्स हो रहे हैं तो ये खत्म हो जाएगा तो आपको एक और जगह छोड़ देंगे। 2024 में आप बुक हैं 31 दिसंबर 2024 इंशाल्लाह। सर भी बहुत प्यारा फ्रेम आ रहा है पीछे, आपका घर इतना खूबसूरत बना हुआ है, एक आपने बोस्की की शलवार कमीज पहनी हुई है सर भाई। सर भी ये बरात में पहनी थी आपने ये वाला? हाँ जी नहीं नहीं हाँ जी हमारे साथ एक मिस्त्री काम करता है उसकी बरात। अच्छा पहनी बरात में ही है। अच्छा ठीक है, अच्छा सर भाई आए फन हो गया, अब जरा काम की बात करते हैं। ये मजीद भाई हैं, ये क्या करते हैं? ये ईंटें ऊपर लेके आते हैं। अच्छा ये ये ब्रिक्स कॉन्ट्रैक्टर हैं, यानी ये ईंटें जो हैं वो नीचे से लोड करके ऊपर लेके आते हैं। ये वेट लिफ्टिंग वाली मशीन इनकी है। वो नीचे चुगाठ वाला आगे उस घर में रखनी है, उस घर में सवाल भी उनसे पूछे कितनी लेके हैं। कितनी है ये? अच्छा गिननी है अले तक? कमाल है, कितनी है गिना के निकलिए।
9 है। एक घर की है? एक। अच्छा नहीं। एक घर में 9 लगती है जी। चलें बाकी आ जाएंगे। हां जी वो रेमबो की पॉपुलेशन के लिए लेके जाओ। नहीं नहीं ये वाला ये भाई वो जो दरवाजा खुला हुआ है ना वहां लेके चलेंगे, वहां पे रखते हैं। अच्छा सारू ये मुझे थोड़ा सा बता दें कि ये अब क्या बनवा रहे हैं? ये हमारी जो अंदर विंडो वगैरह रखी हुई है ना जी साहब, उसके ऊपर ये बीम वगैरह डल जाएगा। अच्छा ये बीम है हमारा। अच्छा बीम है, बत्ते भी कहते हैं इसको? बत्ते भी बोलते हैं, बीम भी बोलते हैं। अच्छा सही है। लेकिन जो बड़ा बाहर एलिवेशन पे नजर आ रही है ना वो हमने ऊपर ही बनाए हैं जी, वो ज्यादा स्ट्रांग बनते हैं मुझे पता है जी, उसमें आपने ज्यादा सरिया यूज किया है। ये होते हैं छोटी आम विंडो के लिए। अच्छा ये तीन आपने ये बना लिए हुए और ये बनाने वाले हैं? अच्छा अच्छा सही। इसमें सितार भी दो दो हैं जी? सब में दो है जी। ये नजर आ रहा है जी, ये दूसरा ये बना। अच्छा तीनों में दो दो ठीक। तो सितार भी मुझे थोड़ा सा विजिट करवाते हैं आप अपने घरों का? आपके घर हैं सर सितार भी फिलहाल तो आपके हैं जी? सारी की सारी माशाल्लाह आपने कंप्लीट कर दी है? चले मैं देख लेता हूँ। नहीं नहीं देखेंगे तो फिर बात चलेगी ना सार भाई। अच्छा ये वाला घर जो है इसकी आपने पार्टीशन कर दी है, सामने वाली दीवार सिर्फ रहती है, वो भी एलिवेशन की है, फ्रंट एलिवेशन की। ठीक है सार भाई। और इसमें ये आपने छोटे छोटे लगा दिए पोर्शन में सार भी। मैं ना एक चीज मैं खुद सोच रहा हूँ कि मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे ऊपर आके कमरे बड़े हो गए हैं हुए। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा थोड़ी ये चीज़ें समझाएं कि क्या मतलब क्या तब्दीली क्या आई है? मिसाल के तौर पे हमने जो शेड बड़े किए थे वो तो हमने सामने से किए हैं, तो फिर ये ऐसे खुले कैसे हो गए? ऐसे खुले नहीं है। हाँ जी पूरे ये जितने नीचे थे उतने ही है। उतना ही है। हाँ जी ये वाला कमरा हमारा सबसे ज्यादा बड़ा हुआ। ओ मतलब यहाँ पे गैराज था इसलिए? जी जी। हाँ ठीक है, गैराज की जो जगह थी वो हमने कमरे में डाल दी है हमारा, फिर मास्टर बेडरूम बनाइए। सही। अच्छा सितार भी एक और क्वेश्चन है मेरे दिमाग में, मुझसे किसी ने पूछा तो नहीं कि ये ऊपर आके हमारी ईंट कम खर्च होनी चाहिए थी, ज्यादा क्यों हो रही है सितार भी? जरा वहाँ पे खड़े हो जाए तो जवाब दो। इतने भाई इतने खड़े हो। बिल्कुल जवाब देंगे। देखो ये हमारी नीचे दीवार रही थी। सितार भी दलील के साथ बात करनी है। दलील के साथ बात जी। ये दीवार नीचे नहीं है, गैराज में ये वाली दीवार नहीं है, ये ईंटें लग गई जी? लग गई। ये ऊपर तक जाएगी जी? ओके ऐसे ही समझो सामने वाली दीवार एक दो तीन दीवारें बन गई। ये भी ऊपर तक जाएंगी? ये भी ऊपर तक जाएंगी। ये नीचे दो हैं? नीचे दो इधर हैं। इधर तीन आ गई। यानी नीचे वाला जो हमारा पोर्शन था वहाँ पे ये वाली दीवारें नहीं थी? हाँ जी। जो यहाँ के अजाफी हो गई है जी। ठीक है ठीक हो गए। ऐसे ही वो वाली दीवार देखे नीचे गेट है। हाँ जी 10-12-11 फुट का। हाँ गेट ठीक है। उधर आके वो दीवार बन गई। अच्छा मैं जाती तौर पे आप यकीन करें मैं ये सोच रहा था कि जब हम ऊपर जाएंगे कम लगेगी तो हमारी ईंटें कम लगेंगी। और उसके बाद देखो हमने ये 3 फुट आगे निकले हैं। हाँ 3 फुट। हाँ जी निकले भी हैं तो 3 फुट में ईंटें लगेंगी। बिल्कुल सितार भी वो मतलब सामने से भी 3 फुट वो ईंट ज्यादा काउंट होगी जी जी। और इस तरफ हमारी 90 फुट का प्लॉट था जो हमारा हो गया 96-97 फुट का हो गया, वो 7 फुट वो भी ईंटें ज्यादा चली गई। ऐसे समझो 10 फुट दीवार लंबी हो 10 फुट हाइट हो 1000 इंच पड़ती है। सही। अच्छा ये वजह है क्योंकि मैं मेरा जो एस्टीमेट था ना यहाँ आके वो उससे हम थोड़ा सा आगे निकल रहे हैं। सही। लेकिन मैं समझना चाह रहा था कि आप मुझे थोड़ा सा दलील के साथ समझाएं। सही। सितार भी मेरी दावत कब कर रहे हैं आप? जब जब। अच्छा पूछे किस लिए? पूछे किस लिए? क्योंकि मैं आपकी हर बात मानता हूँ सार भी। वो तो मानते हैं लेकिन आपने मेरे साथ वो वादा किया था। वो वाला कौन सा? किधर जाना है हमने? स्टारबक्स। इंशाल्लाह लाजम वद स्टारबक्स। मैं दी मुश्किल आया। आपने सिर्फ बोला है लेकिन नहीं जाएंगे। जब हम उमरा करने जाएंगे ना उधर मक्का इंशाल्लाह वो तो हम खुद जाएगा। तो जब जद्दा उतरेंगे सीधा हम पहले स्टारबक्स पे जाएंगे, वहाँ आपको कॉफी पिलाएंगे। बाकी काम बाद। अच्छा दिखा दें एक सेकंड में दिखाता हूँ जी। माशाल्लाह माशाल्लाह तबारकअल्लाह। ये वाली भी दीवार मुकम्मल है। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये दो लेवल भी मुकम्मल है। माशाल्लाह। अभी आपके पास टाइम नहीं है लेकिन आपके पास चुकाठें आ चुकी हैं। आ चुकी हैं लेकिन किस घर की नहीं है। हाँ जी जी जी।
बाकी ये थोड़ी थोड़ी होगी इंशाल्लाह कल हमारे ये जो दो आदमी है जी जी सही है ये भी सही है ये हैं ही दो तो फिर सही है नहीं नहीं अच्छा ये आजकल ना छुप छुप के काम करते हैं सारे ये जगह ही ऐसी हो गई है ना अब देखो बाहर वाली दीवारें मुकम्मल हो गई अंदर ऐसे ही लगता है जैसे छुप छुप के काम कर रहे हैं सर भी ये भी आपकी माशाल्लाह तजर्बा भी है आपकी अकल भी है कि आपने ये कॉरिडोर खुले रखे हुए हैं नहीं तो फिर मेरे जैसे आदमी को भी हर घर में जाने के लिए उसकी सीढ़ियां यूज करनी पड़ती हैं और उसका उसके बाद देखिए ये दो आदमी क्या तीन आदमी कितने आदमी थे यहाँ पे तीन थे पूरे ही हैं सर भी ये हैदर साहब मुझे बहुत गुस्से से देखते हैं अच्छा खुश है माशाल्लाह जैसे जैसे घर ऊपर की तरफ जा रहा है ना इनका गुस्सा भी ऊपर जा रहा है और ये खुद नीचे जा रहे हैं ये भी दीवारें आ रही है वो मुकम्मल है वो भी मुकम्मल है अच्छा स्टार भी मुकम्मल है अच्छा मैं यहाँ से दिखाता हूँ जनाब हाँ क्या बात है साहब माशाल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह ये वाली भी मुकम्मल है ये डोर लेवल भी मुकम्मल है बस अब चुकाहट लगने की देर है बस कल इंशाल्लाह फाइनल माशाल्लाह कोशिश तो पूरी है लेकिन स्टार भाई ये बच्चे हैं इनका क्या मसला है बेटा आपकी बॉल इधर ना आया करे लग जाती है आपकी बॉल भी हार्ड होती है तो मेरे बेटे आप लग जाया करेगी आपको पहले भी बताया चले नहीं आई स्टार भाई इधर मेरे साथ बात करें स्टार भाई इजाज़त लेते हैं ठीक है तो इंशाल्लाह कल के व्लॉग में मुलाकात होती है कोई मेरे लायक खिदमत दुआ करना अल्लाह हाफिज़